महाराष्ट्र के जालना में इनकम टैक्स विभाग ने बाराती बनकर चार स्टील कंपनियों पर छापेमारी की और करीब 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त करने का दावा किया। बताया गया कि छापेमारी करने गई टीम के कई लोगों को भी इस कार्रवाई की जानकारी नहीं थी और ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी को भी इनकम टैक्स विभाग की रेड की खबर ना मिले। सिर्फ कुछ ही अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई और इस पूरे अभियान के लिए अनोखा प्लान तैयार किया गया। बताया गया कि आईटी के अधिकारियों ने मुंबई समेत कुछ दूसरे जिलों से पुलिस की कई टीमों को नासिक बुलवाया, जिसके बाद सरकारी गाड़ियों के अलावा करीब 120 प्राइवेट गाड़ियों का भी इंतजाम किया गया, जिन्हें इस तरह सजाया गया जैसे बारात निकलने वाली हो। सभी गाड़ियों पर राहुल वेड्स अंजलि के स्टिकर भी चिपका दिए गए ताकि किसी को भी आईटी की इस छापेमारी पर शक न हो और पूरी टीम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। जिसके बाद आईटी और पुलिस की भारी भरकम टीम बाराती बनकर जालना में मौजूद उन स्टील कंपनियों में पहुंच गई। बताया गया कि जांच टीम ने इसके लिए दो कोड वर्ड भी बनाए थे। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती है। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिनमें पहला था दुल्हन हम ले जाएंगे और दूसरा था राहुल वेड्स अंजलि। और इस कार्रवाई में विभाग को जिस बात का अंदेशा था वही हुआ। छापेमारी में नोटों की इतनी गड्डियां बरामद की गईं कि उन्हें गिनना तक मुश्किल हो गया। नोटों को गिनने के लिए एक दो नहीं बल्कि 12 मशीनें मंगवाई गईं और साथ ही कई लोगों को भी लगाया गया। बताया गया कि करीब 14 घंटे तक बरामद किए गए नोटों की गिनती की गई, जिसके बाद पता चला कि जांच टीम को 58 करोड़ कैश मिला है। इसके अलावा 32 किलो सोना भी जब्त करने का दावा किया गया। स्टील कंपनियों के अलावा कई दूसरे ठिकानों पर भी छापे मारे गए। तकरीबन 8 दिनों तक यह छापेमारी की कार्रवाई चली। बताया गया एक फार्म हाउस में कई बिस्तर मोड़ कर रखे गए थे और जब उन्हें खोला गया तो वहां से भी नोटों से भरी कई थैलियां जांच टीम को मिली।